हेलो गाइस, माय नेम इज़ नरेश कुमार लक्षकर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दिस एरर्स कन्फेशन। सो गाइस, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। हम लोग जो सीफेयर रह रहे हैं उस पर उस चीज़ का क्या असर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि द पूरा विश्व जो है, आज पूरा वर्ल्ड जो है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज दे हैव इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन वर्ल्ड वाइड नेशन। दिस लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। सो इंडिया इज इंडिया टिल एज ऑफ नाउ टिल 3rd of May इंडिया हैज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड इम्पोज दिस लॉकडाउन पीरियड। सो बिकॉज ऑफ दिस एवरी सी पीरियड हुएवर इज देयर दे आर नॉट एबल टू गो ऑन बोर्ड शिप। लाइक दे आर जिसका भी साइन ऑफ नहीं हो रहा है एंड जिसका भी साइन ऑफ अभी रुका हुआ है। सो आई थिंक देर आर सम मेजर्स जो कंपनीज ले रही है और मे बी अभी इसी मंथ में या अगले मंथ में या आने वाले कुछ दिनों में अगर इफ़ लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है, नोबडी नोज, अगर सिचुएशन सभी कंट्रोल में रही, सब कुछ ठीक रहा, लॉकडाउन एक्सटेंड भी होता है तो भी अगर हम लोग बींग एज अ सी फेरियर वी आर ऑल्सो ए फ्रंट लाइन वॉरियर जो कि इस सप्लाई चेन को मेंटेन किए हुए। बिकॉज अगर क्रू चेंज नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। सो ऑल पीपल आर स्टैंड बाय एंड कंपनीज इज डूइंग वेरी गुड फ्रॉम देयर साइड। एंड नाउ टुडे व्हाट आई विल शो यू इज बिकॉज देयर आर चांसेस दैट देम इफ आई एम टेलिंग यू इफ इट इज नॉट लाइक आई एम टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज सो डोंट टेक इट एज अ ग्रांटेड। सो दे आर मेकिंग सम प्रोविजंस लाइक दे माइट इशू सम ई पासेस दे माइट इशू सो दैट क्रू जॉइनिंग फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द नियरेस्ट पोर्ट दे कैन जॉइन द वेसल हुएवर इज द कैंडिडेट इज लाइक चेन्नई मुंबई पोर्ट और गुजरात यू नो हजीरा पोर्ट एंड कांडला सो मेनी पोर्ट्स आर देयर। सो इफ फ्लाइट्स आर लाइक फ्लाइट इज नॉट फ्लाइंग सो अगर फ्लाइट नहीं चल रही है और ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग इज शट डाउन नाउ इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज शट डाउन। सो अगर ये सब नहीं चल रहा है फिर भी अगर अगर ज़रूरत पड़ी क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ऑलमोस्ट अगर लॉकडाउन अगर फिर भी इम्प्लीमेंटेड किया गया इम्पोज किया गया तो अगर 3 मई बाद ये पॉसिबिलिटीज अगर हो सकता है अगर हुआ तो कंपनीज विल मेक श्योर दैट जो भी सी फेयर को अभी साइन ऑन करवाना है वो उनको ई पासेस इशू करवाएंगी एंड आई थिंक देर माइट बी टॉक गोइंग ऑन कंपनी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। सो आई विल शो यू आई हैव सीन सम न्यू थिंग्स इन ऑन डीजी वेबसाइट सो आई विल शो यू दैट थिंग। सो आई एम नाउ इन मोजिला फायरफॉक्स सो आई एम क्लिकिंग ओवर हियर एंड आई एम टाइपिंग डीजी शिपिंग After clicking, you will be directed to this page and you will have to click over here, DG Shipping. After clicking, you will be directed to the page like this. So, all of you are having your user ID and password. So, please put it over here and check your I will show you you can just put it in your user ID and password and just login. I will show you directly I will login and I will show you later on. So guys, after logging in I am over here. So you can see I'll show you the see this e-pass for seafarer. You can see over here this e-pass for seafarer. This is the new which is latest has been updated by DG Shipping. This is the seafarer column and so because of this what I think within 1 month within 15 days I don't know वो government के ऊपर है कि कितने दिनों में वो ये procedure implement करते हैं। तो जब वो procedure implement करेंगे तो अगर इफ़ वहाँ पर अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है इंडिया में एक लॉकडाउन एक्सटेंड होता है और फ्लाइट जो भी है नहीं चल रही है जो भी ट्रांसपोर्टेशन बंद है तो भी अगर मान लीजिए इंडिया से अगर ज्वाइनिंग होती है किसी की तो वो लोग ई पास दे माइट इशू द ई पास सो दैट सी फेयर
जो जहाँ भी है, जैसे कोई उत्तराखंड से है, जो चेन्नई से है, जो चेन्नई से है वो इजीली ज्वाइन कर सकता है, नो नो डाउट। बट जो लोग बड़ी बड़ी दूर से हैं, फार अवे फ्रॉम द पोर्ट सिटी, लाइक उत्तराखंड, दिस यूपी एंड लाइक राजस्थान, हरियाणा, सो उनके लिए शायद कंपनी माइट प्रोवाइड सम ट्रांसपोर्टेशन। सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो क्या क्या फॉलो अप करती है, क्या नहीं करती है। दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सो दिस इज़ अ ई पास सर्विस विच दे विल प्रोवाइड इन द नियर फ्यूचर। नाउ देर इज़ नो नथिंग इज़ गिवन इन दिस, ओनली योर इंडोस नंबर। वेन आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक, नो ई पास, आई शो यू ई पास। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। वेन आई एम क्लिकिंग देर आर सम इंस्ट्रक्शन विच इज विच दे आर शोइंग, लाइक क्लिक द लिंक ई पास, व्यू इश्यू पास। सो दिस इज़ अ ओनली इंस्ट्रक्शन टू जनरेट द ई पास, बट टिल नाउ दे हैव नॉट जनरेटेड द ई पास बिकॉज द प्रोसेस इज, आई थिंक द प्रोसेस इज अंडर अंडर द प्रोसेस इज नाउ गोइंग ऑन आई थिंक। सो टू डाउनलोड दिस ई पास वी विल हैव टू क्लिक ओवर हियर, सी ई पासिस, अगेन यू विल क्लिक ओवर हियर, व्यू इश्यूड पासिस, क्लिक ओवर हियर एंड ए फाइल विल बी जनरेटेड लाइक दिस, लाइक दिस। एंड मे बी सम मोर मॉडिफिकेशन विल बी देयर इन द नियर फ्यूचर इफ द कंपनी विल जनरेट, और मे बी डी जी शिपिंग विल जनरेट इन कोऑर्डिनेशन विद द कंपनी। तो कंपनी और डी जी शिपिंग दोनों को रिलेट करेगा, और इसमें कुछ भी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मतलब ये आपको उसमें अपडेट करेगी कंपनी, और आपको ये ई पास देगी सो दैट यू कैन ज्वाइन फ्रॉम योर नियरेस्ट वेसल। सो गाइस, बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस आपका नाम लिखा हुआ है, आपका जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है, एंड योर पासपोर्ट नंबर एंड इंडोस नंबर इज़ रिटन ओवर हियर इन दिस ई पास, बट टिल नाउ इट हैज़ नॉट बीन इशूड एंड इट हैज़ नॉट बीन लाइक गिवन परमिशन फ्रॉम डी जी, और वट एवर इज़ द प्रोसीजर द गवर्नमेंट विल फॉलो इन द नियर फ्यूचर वी डोंट नो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट मी जस्ट लॉग इट आउट फ्रॉम हियर, सो यू कैन चेक ओवर हियर दिस ई पास फॉर सी फेरियर हियर, दिस इज अ न्यू सर्विस। सो होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट माई नोटिफिकेशन। और आगे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू शिपिंग, तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर दिस वीडियो हुएवर इज़ योर फ्रेंड हु इज़ ऑन बोर्ड नाउ, जो कि टेंशन ले रहे कि साइन ऑफ नहीं हो रहा है, और जो यहाँ लैंड में है जिसका साइन ऑन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको पता लगे कि चलो कि कुछ कर रही है, गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है और एंड कंपनीज भी कुछ कर रही है। सो डोंट बी इन हरी एंड डोंट बी पैनिक, लाइक बी काम। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर रोकूंगा, एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।